नली जहा इधर गंद पाई जाते हैं साढ़े आ घर वाले साढ़े इधर क्ढी जाते हैं पाइप असं वो पाइप नहीं पैन देनी है इधर भी सानू इधर गंद सानू चकना पैंदा कोई चकन नहीं आता कोई नाली क्ढन नहीं आता है मगरों इटा मारी हुई असं है नहीं घर लवे वाले एक घर वाले दिए बस मगरों इन्होंने इटा मारियाँ कोई काम करे तो सही गली बनावे कोई सीवरेज पावे कोई नाली बनावे कोई चकन आवे कोई क्ढन आवे कुछ भी नहीं आता साढ़े को मेरे अज सवेरे घर से हमला भी होया गड्डी ते भी हमला मेरी गड्डी भन्नी गई है सीवरेज का चक्कर सीगा सीवरेज का पानी इधर गंदा अपनी साइड कढ़ रहे हैं कुछ दूसरी साइड वाले लोग वो सीवरेज अगर जो सीवरेज पिया होंगे ना अज तो शायद अज आम हमला ना होंगे वजह यह सी भी मैं असी ने मैं काफ़ी टाइम तो डेढ़ साल तो मैं कहता आ रहा भाई सीवरेज पाजो सीवरेज पाजो उस वजह कारण साढ़े इतने लड़ाइया हो रही है जे अज सीवरेज पिया होंगे ना लड़ाई होंगी ना मेरे घर पर हमला होंगे कारण यह है जी साड़ी गली नहीं बन रही ना तो सीवरेज पे ने साडे इधर एमसी भी रह गए इधर साडे कोई गली नहीं बनी हैगी सरकारी काम इतने कोई नहीं होया साडा देखा नली जहा इधर गंद पाई जाते हैं साडे आ घर वाले साढ़े इधर क्ढी जाते हैं पाइप असं वो पाइप नहीं पैन देने है इधर भी सानू इधर गंद सानू चकना पैंता कोई चकन नहीं आता कोई नाली क्ढन नहीं आता है मगरों इटा मारी हुई असं है नहीं घर लवे वाले एक घर वाले दिए बस मगरों इन्होंने इटा मारिया तो हूँ मौका तुम देख ही दो बस मंग आई है साढ़े बस पाइप इधरों बंद हो जाए या सीवरेज पै जाए जी इन्होंने पाइप पाने आप एमसी रहे नहीं साढ़े कोई पाइप नहीं पाया कोई नाली नहीं बनी कोई गली नहीं बनी हैगी इतने फिर पा ला पाइप सीवरेज पावे ये एमसी है जोड़ा कोई कम करे तो सही गली बनावे कोई सीवरेज पावे कोई नाली बनावे कोई चक्कन आवे कोई क्ढन आवे कुछ भी नहीं आता साढ़े को वोटा पवा लाते हैं एमसी ने वो वग जाते हैं लीडर ने वो वग जाते हैं पवा पवा वोटा कोई आता तो है नहीं मगर मेरा नाम सतनाम सिंह है जी मेरे अज सवेरे घर से हमला भी होया गड्डी भी हमला मेरी गड्डी भन्नी गई है तो वजह यह है भी साढ़े इतने थोड़ा जा नगर कौंसल धनौला की वजह कारण होया सीवरेज का चक्कर सीगा सीवरेज का पानी इधर गंदा अपनी साइड कढ़ रहे हैं कुछ दूसरी साइड वाले लोग वो सीवरेज अगर जो सीवरेज पिया होंगे ना अज तो शायद अज आम हमला ना होंगे वजह यह सी भी मैं असी ने मैं काफ़ी टाइम तो डेढ़ साल तो मैं कहता आ रहा भाई सीवरेज पाजो उस वजह कारण साढ़े इतने लड़ाइया हो रही नेगियाँ क्योंकि गंदा पानी कोई ना कोई साड़ी दिंदा टॉयलेट वाला पानी है ना उस कारण भी सानू प्रॉब्लम आती है भी बई जे सीवरेज पा दूँ तो साडा सारा असं आपस में वधिया रल मिल के रहन लग जाएंगे है ना तो उस गल यह है भी जे अज सीवरेज पिया होंगे ना लड़ाई होंगी ना मेरे घर पर हमला होंगे हुण उन्होंने पाइप उप कढ़े होने साढ़े किसी ने इतने पाइप उप भनते होने उस बाद मेरे घर का हमला उन्होंने करता ठीक है हुण कल्ला करते ही हमला होया छोटे जा है जी कल्ला करते ही होया हमला करते हमला मेरी गड्डी भी भन्नी गई है मेरी मम्मी बैठे से मेरा ब्रदर बैठा से उपरों सीधे रोड़े बजे ने गए तो उस संबंध के मैं थाने धनौला रिपोर्ट भी की आ थाना रिपोर्ट करने तो बाद इतने ए एस आई निर्मल सिंह आए उन्होंने ये पूछने की बजाय भी ये गड्डी ते हमला या घर ते हमला क्यों किया उन्होंने उल्टा आ जिन्होंने साढ़े ते हमला किया भी इन्हों का पानी इधर निकलना चाहिए असी रोकते नहीं है ना असी रोक देना मैं अज रोक देना मैं कल रोका पानी निकलना ठीक है पर वजह यह आ भी साड़ी साइड सीवरेज पाया जाए सीवरेज पा के उन्होंने कोई मर्जी पानी जाए सानू कोई दिक्कत नहीं वह पूछने की बजाय उन्होंने कहना तुम आपका कड़ो काम इतने ये तो साड़िया लेडीज़ बहुत बोल के गया ये भौंकी जाते भौंकी जान दो तो तुम अपना काम करो हालांकि उन्होंने ज्यादा ज्यादा शायद दे गया भी तुम दोबारा भी कोई कार्रवाई करनी है तो कर सकते हो कहता भाव मेरा थाना धनौला वालों भी मैं सैटिस्फाई नहीं होया क्योंकि मैं समझ लो 2013 तो मंत्री मानयोग सरदार है ना मीत हेयर जी नाल मैं रहिंदा आ रहा मैं एज ए एक एस सी विंग जिला प्रधान दे 17 विच काम किया 17 तो बाद इन्होंने मैंनू पंजाब दा एस सी विंग दा मीत प्रधान लाता सी पंजाब दा मीत प्रधान रहा मैं तो उस वजह कारण क्योंकि मैं एक ऐसी भाईचारे को अपनी कम्यूनिटी को लीड करता रहा तो मैं उन्होंने प्रॉब्लम पता आ है ना तो हूँ मैं जिमीदार भरावान भी नहीं वो कहूँगा क्योंकि जिमीदार भरावान के पहल दौर से हर एक दे काम हुए हैं तो मैं उन्होंने कम्यूनिटी वो नहीं करूँगा भी उन्होंने क्यों होने होने चाहिए ने वो भी आपके भरा ने गए बट सानू एक गरीब होने के नाते साड़ी सुनवाई बिल्कुल ही नहीं हो रही जिहड़ा कि यह हर तुसी देख लो वधिया जिथे वधिया बाणी है वकाल अपने भरा रहिंदे ने ना जिमीदार सब दे पक्के ने साडा कल्ला ऐसियां परिवारां दे महल्ले जाके वेखियो तुसी ते सब आही हालात ने जी उहदा हुण मैं तां सरकार नूं ही दोषी कहूँगा जे शायद साढ़े भी इदां दी वधिया सहूलतां हुंदियां शायद अज आ लड़ाई जां मेरे घर ते हमला जां मेरी गड्डी ते हमला ना हुंदा ते इह जस्ट मेरे हिसाब नाल तां 700 मीटर
700 मीटर भी होना नहीं, 500 मीटर है मेरे हिसाब नाल सारा टोटल अगे तो लैके, मैं 7-8 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का होगा सारा। मैं किदे तो मिन्नत करता आ रहा किदे तो, मतलब कि मेरे हर बार यही गल हों भाई साढ़े लड़ाइया होंगे ने इस विषय की है ना। मैं पोस्ट भी तो मंत्री साहब मीत हेर जी का नाम भी मैनशन किया, मैं ता किया क्योंकि मेरे इन्होंने काम होने ही नहीं दिते, क्योंकि मैनू यह आपका दुश्मन ही समझ लग गए उस तो बाद, क्योंकि मैं बोल चक्कन लग गया, मैं आपदे आपदी कम्यूनिटी के आवाज़ चक्कन लग गया भी मंत्री साहब साड़ी आ सुनवाई नहीं होंगी, आ नहीं सुनवाई होंगी, मैंने इग्नोर मारन लग गए है ना। इग्नोर मारन तो बाद भी छोड़ो इनू सीरीयस नहीं लैना, ये काम कोई नहीं करने, जे अज साडा काम होया हुंदा शायद अज मेरे घर ते हमला ना हुंदा। मैं इसे करके कह रहा भी इहदे विच सिद्धम सिद्धा नगर कौंसल धनौला ते मंत्री साहब दा सट्टा बाहे भी माता बच गई उन्होंने नाल नाल गेट जो उपर अटा चलाती हैं, मम्मी गेट के सैड पर बैठे थी, गेट के बजी वो गेट विखा दियो तुसीं, ते गड्डी बजी हुई है ना, शीशा भन्निया होया गा ते अपने उस सामने रोड़े राड़े आओ पैने रोड़े। मंग तो मैं यही करूँगा दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिहड़ा साडा ये सीवरेज वगैरह पैण वाला जो भी करना, साडियां जिहड़ियां बणदियां सहूलतां ने सानूं दित्तियां जाण। ये सर साढ़े को दो कंप्लेंट्स आईया दोनों धिर वालों, एक तो है सतनाम सिंह पुत्र मिठू सिंह वासी चाढ़ पत्ती धनौला जी, एक आई है गोलू खान पुत्र भीटी खान ते साबर खान, ये दोनों भरा ने जी, इन्हें एक दूजे के गुआढ़ी ने गे, इन्हों का असल रौला है कोई सीवरेज की पाइप वगैरह का, वो सीवरेज के पाइप से जोड़े गोलू खान के उन्होंने जो तोड़ते थोड़ा गाली गलोज हुई, फिर इन्ह का ट्रोली भी चली तो इन्हों का शीशा गड्डी का शीशा टुट गया। ये अपने मौका तस्दीक किया जी आई ओ साहब ने, असी जो कानून अनुसार बनती कार्रवाई है वो की जाऊगी। दोनों तरह दरखास्त है ने, यह सतनाम सिंह बुलाया से, थाने आया भी उस तो बाद मौके तो भज गया, नहीं जो भी दोषी खिलाफ़ कार्रवाई की जाऊगी।